तो यार वैसे ये पर्सनली मेरा शूट करने का टाइम तो नहीं होता, पर बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए, कुछ इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने पूछा है कि यार कि ये जो सैमसंग का A21S है उसके अंदर क्या है, हम लोग रिकवरी मोड तो चले जा रहे हैं, बट रिकवरी मोड जाने के बाद कई लोगों के फ़ोन में हार्ड रीसेट का यार ऑप्शन नहीं आ रहा, कई लोगों में मतलब वाइप डाटा का भी ऑप्शन नहीं है, वो लोग हार्ड रीसेट या मतलब वहाँ से पैटर्न नहीं हटा पा रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि भाई इसे MDM लॉक कहते हैं, ठीक है। ये जो लॉक होता है, इस लॉक में आप ना फ़ोन को जल्दी फ्लैश कर पाओगे, ना उसको फैक्ट्री रीसेट कर पाओगे, और भी इसमें कई सारी कंपनी रोक लगा देती है। तो MDM लॉक को अब बात आती है कैसे हटाया जाए और इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसको ब्रेक करने के सिर्फ तीन तरीके हैं। पहला, जैसे कि मैंने एक दो लोगों के कमेंट पढ़े, उन लोगों ने बताया कि सर्विस सेंटर जाके करा सकते हो आप, तो पहला तो तरीका सर्विस सेंटर हो गया। दूसरा तरीका होता है इस MDM लॉक को हटाने का, वो है इजीज अटैक बॉक्स। अगर आप लोग को नहीं पता कि ये क्या होता है, उसे आप गूगल पे सर्च कीजिए, Z3X इजीज अटैक डालिए, और आपको गूगल पे बकायदा उसके बारे में पता चलेगा। ये मोबाइल रिपेयरिंग का एक बॉक्स होता है जो मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग रखते हैं अपने पास। और इससे काम कैसे होगा आपके फ़ोन में, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो इससे दरअसल वो लोग कैसे करते हैं, आपका फ़ोन खोलेंगे, आपके फ़ोन का बोर्ड निकालेंगे पूरा, और बोर्ड में क्या होगा, जम्पर करेंगे, ISP पॉइंट्स होते हैं बोर्ड के अंदर। अगर आपको नहीं पता, अपने फ़ोन का मॉडल डालिए, और आपके फ़ोन में फ़िलहाल तो शायद UFS चिप होगी, और मुझे मतलब उतना नहीं अभी ध्यान आ रहा है कि UFS की ISP है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि उसे कैसे करते हैं वो लोग। फिलहाल तो आपका बोर्ड निकलेगा, और ये हार्डवेयर प्रोसेस होता है, तो इसमें कई बार रिस्क होते हैं डेड का, अगर कोई अच्छा रिपेयर मैन है तो शायद ना हो। और अब आता है तीसरा तरीका, कि इसे थर्ड तरीका कैसा है, कि मतलब कैसे हटाएं हम इसे। तो तीसरा तरीका भाई फिर एक ही है, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल, और मैं भी वही एक दो बार मैंने किया है, और कुछ सैमसंग के फ़ोन में वो तरीका लगा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर फ़ोन में लगेगा, हर सैमसंग के मॉडल में लगता है। मैंने A21S में कभी नहीं ट्राई किया इस तरीके को, ये मैंने एक सैमसंग का दूसरा फ़ोन था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसके ऊपर ट्राई किया था। तो कैसे तरीका है, आपके फ़ोन में पैटर्न लगा हुआ है, ठीक है। तो सैमसंग की सिक्योरिटी क्या कहती है, कि जब आप अपने पैटर्न को एक हद के ज़्यादा गलत डालोगे, एक हद से ज़्यादा गलत डालोगे, तो हम अपने फ़ोन को ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देंगे। ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप क्या करिए, आपके स्क्रीन पे पैटर्न लॉक लगाया, आप उसे तीन चार बार गलत डालिए, नंबर आ जाएगा, 21 सेकंड 30 सेकंड का टाइमर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, टाइमर जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर से तीन चार बार डालिए। आपको ये प्रोसेस क्या है, ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होती है, इसे कम से कम आपको करना है 25 से 30 बार। अब मैं नहीं श्योर हूँ कि ये प्रोसेस आपके फ़ोन में काम करेगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं सर्विस सेंटर जा सकते, नहीं हार्डवेयर करा सकते, तो इसको ट्राई कीजिए, क्या पता हो जाए। तो 25 से 30 बार जब आप गलत डालते हो, तो सैमसंग को लगता है कि ओरिजिनल ओनर तो वैसे भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं सैमसंग वाले, इसे ऑटोमेटिक फॉर्मेट करते हैं। और आपको भी करना वही था कि आपके फ़ोन को फॉर्मेट करना, तो बस काम बन जाएगा आपका, आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा और खुल जाएगा। बाकी फिर रही बात उसका गूगल अकाउंट अगर नहीं खुल रहा है आपसे, तो उसकी भी वीडियो पड़ी है, आप लोग उसको देखिए, आराम से करिए।